आप किसी दुर्गा गलो तुम कुछ बोल दो गलो। क्या क्या होता है बता, तुम दुर्गा पूजा करती है? और क्या पहने की दुर्गा पूजा में, बता दो भी, बता दो। दुर्गा पूजा नहीं, परी वाला झूला। पर साड़ी नहीं पहनेगी? हम लोग तो फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग स्वस्थ मस्त बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और क्या ही बोले, दुर्गा पूजा पहुँच रहा है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो बहुत ज़्यादा बिजी हुई, इसका वजह से मैं शॉर्ट भी नहीं डाल पा रही हूँ। देख रहे इतना सारा कपड़ा, ये पूरा ये पलंग पे ये रखी हूँ, ये सारा सिलना है। अभी ये कपड़ा कटिंग की हूँ, और हम लोग का वायरिंग वायरिंग हो गया है, मतलब वायरिंग नहीं, वो वाइट वाला इसमें नहीं लगाया है, सिर्फ ऐसे करके किया है, देखिए ऐसे करके, तो ये नाइट में दिखेगा। दो बल्ब लग गया हमारा रूम में। तो ये देखिए, मैं एक ब्लाउज कटिंग कर ली हूँ, कल एक सिली थी, और लाइट बार बार कट जाता है, इसका वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एक ब्लाउज कटिंग करके रखी हूँ, तो अभी इसको सिलना है। और धूप इतना कड़क है ना कि क्या ही बोले। तो हम लोग का रूम कुछ इस प्रकार दिख रहा है, देखिए ये टेबल था, उसको वहाँ पे लेके गए, और इधर पूरा खाली है, देखिए तभी क्या ही बोले। और ये और इतना धूप है ना, उसकी वजह से बहुत गर्मी लग रहा है, पूरा बक लग रहा है। और नाना जी सोए हुए हैं, नाना नानी वही भी ना है, लेकिन नाना जी सोए हुए हैं। और इधर क्या कर रही है, और ये हमारी नमिता जी दुकान जाने का तैयारी कर रही है। देखिए आलू बॉयल हो चुका है, तो इसको घर से ही छील के लेके जाती है, उधर और चढ़ा हुआ है। और धूप देख सकते हैं कितना भयानक है, इतना भयानक धूप है ना। अभी लेदरा वगैरह धोने से पूरा सूख जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है उतना। वही दिन धोई है इंदु नमिता दोनों जन पूरा घर। फिर अभी पूजा पहुँचेगा, मतलब आज ज़्यादा दिन नहीं है, और 10 दिन है आज से। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और नानी भी आई हुई है, लेकिन नानी किधर है पता नहीं। पंखा चालू ला हवा, ऊपर वाला जो सीलिंग वाला पंखा था ना वो खोल दिया है, ये वाला लगा दिया टेबल वाला। तो चलिए अभी मैं कपड़ा सिलती हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कपड़ा सिलना है। कपड़ा सिलना है वो तो अलग बात है, हैंडलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, पता है, जो हाथ का काम है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कौन कौन कपड़ा सिलाई करते हैं कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को कैसा मतलब प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, क्या क्या मुसीबत आती है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी सिल एक तो मशीन पे सिलो, ऊपर से फिर हेमिंग करो, फिर वो फिर फोल्ड भी डालना है, यार बहुत कपड़ा है मेरे साथ। पता है हर साल क्या क्या होता है, जिस दिन पूजा रहता है उस दिन फास्टिंग रहती है, उस दिन भी मेरे को कपड़ा सिलना पड़ता है, मतलब सिल ही नहीं पाती हूँ ना इसका वजह से। और मैं आप लोग को बोली हूँ कि मैं ऑनलाइन मतलब सब कपड़ा ऑनलाइन मंगाई हूँ, तो दिखाऊंगी बोल के। तो अभी पहले स्टिचिंग कर लेते, पहले सिलाई कर लेते, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते। और मेरा शॉर्ट भी नहीं डला रहा है यार, क्या ही बोलूँ, बिजी हो गई हूँ थोड़ा। और पता है सुबह में क्या करती हूँ, फ्रेश भी नहीं होती, फ्रेश होती हूँ लेकिन ऐसा नहीं साबुन वगैरह लगा के नहीं, सिर्फ ब्रश करती हूँ, फिर ऐसे पानी से मुंह कान धो के फिर खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम पे लग जाती हूँ। तो कैसे रखती, आज तो नहाई हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आज नहाई है इसलिए ब्लॉग्स बना रही हूँ, मतलब पूरा कैसे कैसे रहती हूँ। ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना, देखिए हमारे घर पे न्यू ब्लॉगर आ गई है। दुर्गा पूजा में आइएगा गलो, तुम कुछ बोल दो गलो, तुम बोल दो, दुर्गा पूजा में आइएगा बोल दो। हम लोग का घर पे होता है दुर्गा पूजा, पर ही अच्छा से बोल दो बेटा, इधर आके बोल दो, इधर आके। तुम्हारा घर पे क्या क्या होता है दुर्गा पूजा में बताओ, क्या क्या होता है बताओ, तुम दुर्गा पूजा करती है? और क्या पहने की दुर्गा पूजा में, बता दो भी, बता दो। दुर्गा पूजा नहीं, परी वाला झूला। पर साड़ी नहीं पहनेगी? हम लोग तो साड़ी पहनेंगे। तुम परी वाला झूला पहने, तुम गलो बनेगा, धोती पहनेगा,
देख रहे हो छिप रहा है। तुम क्या पहनेगा बेटा बता, तुम क्या पहनेगा बता। परी तो परी वाला जो कपड़ा पहनेगी ना रे। हाँ धोती पहन। अच्छा बता तुम कैसे ब्लॉगिंग करती है, दिखा मेरे दोस्त लोग, इधर आके दिखा, इधर आके दिखा। तो गाइस अभी परी ब्लॉगिंग कर रही है, तो आप लोग देखिए परी का ब्लॉगिंग कैसे करती है उसको। तो चलिए ब्लॉगिंग करके दिखाइए आप कैसे करते हैं। कैमरा में, कैमरा में देखिएगा तब ना, कैमरा में देखिए। हाँ ये हाँ अपना कैमरा में देखिए, अपना कैमरा में आइएगा। मैं फिर से स्टार्टिंग कीजिए, फिर से, हाँ फिर से स्टार्टिंग कीजिए। कैसे करती है। हेलो दोस्तों जोहार, दुर्गा पूजा में आइएगा। कुछ नहीं बोलना चाहता बस। हेलो दोस्तों देखिए, हेलो दोस्तों जोहार, दुर्गा पूजा में आइए, इतना ही सब बोलेगी। और क्या खिलाएगी दोस्तों, वो भी बोलती दोस्तों आप लोग को खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, वो क्या ये और ये बनाती है बुआ, आज हम भी ब्लॉगिंग करेंगे ऐसे बोल रही है, तभी ऐसे कर रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी लोग खेलने के लिए, खुशी के साथ में खेलने के लिए आई है, तभी लोग खेलेगी, तभी मैं स्टार्ट कर ली हूँ ब्लाउज सिलने का। और इंदू भी आ गई है बैल बकरी चरा के। बहुत गर्म है ना, नहीं गर्मी बहुत है ना, देखो ब्लॉगिंग कर रही है, देखो कैसे। तो फाइनली मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया गाइस। तभी मैं दुकान जाऊंगी, दुकान नमिता तभी चल गई है, और दुकान अभी मैं शाम को कल भी गई थी, अभी कल को देर शाम को गई थी इंदू की दुकान पे, तो इसलिए कल नहीं गई। बाद में फिर इंदू आ गई घर, बोल रहे कि तुम आई जा रहे, तो बोलती है कि एक जन को बुलाई है आप, तो इतना दुकान पूरा भूखा पूरा पूरा अंधेरा हो रहा है, मैं नहीं गई थी, तो इसलिए आज मैं जल्दी जा रही हूँ, अभी 4 बजे है, जो 30 के बाद देगी तो सही आ देगी ना। तो चलिए हम दुकान झाड़ू करके उन्हें सटा दो, और यहाँ भी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो सबको सरिया देगी। ऐ होई होई क्या खूब मिला है, तो चलिए अभी दुकान चलते हैं, फिर देखते हैं दुकान जाके क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग जोहार, कैसे आप लोग, उम्मीद करती है आप लोग स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए अभी खाना खा रही हूँ, और खाना इधर पक भी रहा है, डबक रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, और देख रही कितना बीबी सब उड़ रहा है, बाप रे। और ये मुर्गा भी उठ गया है, जो कि सुबह सुबह उठ के कुकड़ू चू करता है, और इधर पापा भी सोए हुए हैं, मम्मी भी, और अभी बोल रही हूँ तो मैं थोड़ा देर पहले उठी हूँ, तो नमिता भी सोई हुई है, और नमिता का है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे नमिता। और इधर और दिखाती हूँ मैं, मेरे को भी नींद लग रहा है लेकिन क्या कर सकती हूँ, इधर इंदू भी सोई हुई है, इधर ज्योति भी सोई हुई है, देख सकते हैं दोनों थोड़ा स्टाइलिश में सोती है, क्या कर सकते हैं। और मम्मी का पैर ख़राब हो चुका है, मतलब गिर गई थी धसना से, तो मोच आ गया है, तो इसका वजह से मैं उठी, क्योंकि पापा को जल्दी काम करने के लिए जाना था, और हम लोग का घर पे देखिए दो दो बल्ब लग चुका है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी, तो उजाला मतलब इंजोरा ज़्यादा लग रहा है, और मेरा मशीन पे इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं सोच रही खाना बनते तक कुछ कर लूँ, तो चलिए क्या करती हूँ मैं थोड़ा सा सोच रही, और मेरे को आइडिया आ गया कि कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, तो पहले यहाँ टेबल को साफ़ करती हूँ, क्योंकि टेबल में तो इतना सारा कपड़ा रख दी, और हर घर में पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे घर में देखिए कपड़ा सब यही रख दी थी, तभी मैं साफ़ कर ली हूँ। और देखिए ये है नमिता का कपड़ा जो ऑनलाइन मंगाई है, तो मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं ऑनलाइन जितना भी कपड़ा मंगाई हूँ उसको दिखाऊँगी, लेकिन क्या करूँ मेरे पास ना
आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखिए ना, मैं ब्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बिज़ी थोड़ा ज़्यादा हो गई हूँ, एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए दो ब्लॉग्स को एक ही में डाल रही हूँ। तो अभी नापा नपी हो गया है और मैं कटिंग भी कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि उधर सब्जी भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा जलाई थी कि जल्दी खाना बन जाए, लेकिन ये चूल्हा तो जलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या बोलूँगी। तो मैं खाना पका के उतार दी हूँ यहाँ से, और उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जी भी चढ़ा दी हूँ। देखिए, मेरा सब्जी है आलू और सोयाबीन और अमसी। पता नहीं अमसी आप लोग जानते हैं यहाँ जो आम का जो छील के और सुखाते हैं वही है। तो चलिए, खाना तो बन गया है और मेरा आँख बहुत कसर कसर कर रहा है क्योंकि मैं इतना जल्दी उठती नहीं हूँ, और आज पापा के लिए उठी थी, खाना बनाना था इसीलिए। तो ये दोनों मुर्गा बैठे हुए हैं और यहाँ पर चीची चीची मुर्गी कर रही है। तो अभी बज रहा है 4, तो आप लोग सोच सकते हैं मेरे को 1.5 घंटा लग गया खाना बनाते हुए। नमिता भी सोई हुई है, तभी उठी थी थोड़ा सा, उसके बाद फिर से लेटी हुई है। तो ये लोग भी सोई हुई है, तो चलिए कुछ अभी करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, सोएंगे या फिर क्या करेंगे। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ। वाओ गाइस, तो किसको किसको पूरी खाना है, आ जाइए पूरी खाने के लिए। इंदु आज पूरी बना रही है। इधर गाइस लोगों को बोल दो बर्थडे पार्टी यही रहेगा। इसके साथ में क्या है, आटा वाटा सब लगा ली। अब बेलने वाली लड़की तुम यहाँ अकेले बेल रही है, अकेले कर रही है, हैं? कुछ कहा जाएगी। नमिता का बर्थडे हम लोग नहीं मना रहे क्योंकि नमिता नवरात्र करती है। जैसे आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। तो केक में तो अंडा वगैरह मिक्स रखता है, और नमिता बोली कि दीदी नहीं मनाएंगे क्योंकि पैसा भी अभी थोड़ा सा कम है, और फिर प्रॉब्लम है पैसा का, क्योंकि आप लोग जैसे कि पता है कि पापा अभी बहुत दिन से काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अभी आज है गांधी जयंती, तो सीधे मैं आ जाती हूँ पंचायत भवन में, क्योंकि पंचायत भवन में ग्राम सभा मीटिंग था, मतलब जो भी नागरिक लोग हैं तो उन लोग का बैठक था। और गांधी जयंती मनाने के बाद में कुछ कुछ यहाँ मतलब बताया गया कि क्या क्या योजना आया है, कैसे हम लोग लाभ उठा सकते हैं, और मीटिंग में नहीं आने के कारण वो चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं मिलती है। तो अभी मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि नमिता का कल से नवरात्र चालू होने वाला है, तो वो फास्टिंग पर रहेगी, तो मेरे को ब्लाउज भी सिलना रहेगा, उसके बाद फिर दुकान भी आना रहेगा, क्योंकि दुकान को तो हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते, दुकान खोलना भी ज़रूरी है। तो अभी भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉग्स, और पता नहीं गाइस ब्लॉग्स और कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन कभी कभी ज़रूर मैं डालूँगी। तो आप लोग मेरे को भूल मत जाइएगा, जैसे आप लोग प्यार बनाए रखे हैं वैसे प्यार बनाए रखिएगा, और क्या ही बोल सकती हूँ, अपना अपना ख्याल रखिएगा, और सबको हैप्पी नवरात्र। चलिए, तो आज का ब्लॉग सही तक इन करती हूँ, बाय बाय।